झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अजय जी, बात करें यहाँ से अगर अब सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हम देख रहे हैं वायदा में 6000 के नीचे नहीं जा रही है और 6400 के ऊपर एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। फिजिकल मार्केट में भी देख रहे हैं कि लगभग यही प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। फिजिकल में भी ज़्यादा उठापटक नहीं है कीमतों में। आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ मंडियों में नई सरसों की जो अराइवल्स हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, और साउथ अमेरिका में जो सूखा पड़ता हुआ देखा है वहाँ पे प्रोडक्शन का जो एस्टिमेशन है उसमें भी कटौती की जा चुकी है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या सोयाबीन की कीमतें यहाँ से अभी कुछ उठ पाएंगी या फिर ऐसी सीमित दायरे में रह जाएंगी? देखिए, टाइमिंग तो मुझे लगता है जब तक मस्टर्ड का क्रॉप सामने नहीं आता है, कोई भी ऑयल शेड में कोई बड़ी तेजी नहीं दिखेगी या बड़ी मंदी नहीं दिखेगी। दूसरा कारण है तेल का। आप देखिए, क्रूड $90 टच कर चुका है, इसका कहीं ना कहीं सपोर्ट पाम ऑयल को मिलेगा। पाम ऑयल का सपोर्ट रिफाइन को मिलता है, रिफाइन का सपोर्ट सोयाबीन को मिलता है। तो मुझे लगता है मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, जो 5850 के नीचे नहीं है, ऊपर में 6650 के ऊपर नहीं है। तो टाइमिंग कंसोलिडेशन है, बट ओवरऑल अगर हम मार्च एंड तक की बात करें पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑफ मस्टर्ड, तो प्राइजेस बिल्कुल तेजी में ही है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं हार्वेस्टिंग के बाद हमेशा प्राइजेस में जबरदस्त गिरावट रहती है, बट इस बार हम देख रहे हैं उसका कोई असर ही नहीं है। मेन सीजन में हमने 5100 का एक बार लो लगते हुए देखा था, बट उसके बाद मार्केट रुकने के लिए तैयार नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में भी जो फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रांग है, जिसके चलते हमने इंटरनेशनल प्राइजेस को भी जबरदस्त तेजी में आते हुए देखा है। तो ओवरऑल मैं कोई मंदी का व्यू लेके नहीं रखा हूँ, क्योंकि पॉलिट्री इंडस्ट्री से भी डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, सप्लाई जो उम्मीद थी उतनी नहीं है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जब तक तेल के भाव में करेक्शन नहीं आता है, सोयाबीन भी तेज रहेगा, जो एज ऑफ नाउ तो 6650-6800 के बीच में ही है, बट ये जल्द मार्च में जाते जाते 7000 का भी लेवल छू जाएगा। जस्ट खाली क्रॉप साइज जो मस्टर्ड का है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब कुछ बरसातें हुई है, उससे फायदा भी हुआ है क्रॉप को और कुछ जगह डैमेजेस भी रिपोर्ट हुई है। बट ओवरऑल मुझे लगता है मस्टर्ड की क्रॉप आने के बाद ही इसके अंदर बूस्ट मिलेगा, तब तक मार्केट एक रेंज में रहेगा। जी, टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।